आईएएस आईपीएस की नेम प्लेट लगी होती है, सुप्रीम कोर्ट अपनी डोरी में लिख के रखता है धर्म भ्रष्ट किया जा रहा था, वो बचना चाहिए, वो ड्रामा तो कर लेते हैं, नाम नहीं बदलते, तो वही तो नाम लिखवाने को कह रहे हैं योगी जी। जो हैं आप लिखिए, महीना मिलेगा रमजान का, रमजान में आप खूब बिक्री कीजिए। योगी जी किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? 3 मीटर कपड़ा ऊपर पहनते, 3 मीटर कपड़ा नीचे, 1.5 मीटर का थैला, इसके अलावा क्या है उनके जीवन में? ऐसा संत पहली बार मिला है। क्या नेम प्लेट अपनी दुकान के सामने लगाना ये सही है? नहीं, इसमें गलत क्या है? आपके चैनल का नाम राजधर्म, आपने ओपनिंग में बोला मैं ये, आपने अपने कैमरामैन के बोला नाम ये, आपकी जो गाड़ी खड़ी है उस पर नाम वो लगा, आपकी राजधर्म न्यूज़ चैनल का स्टिकर गाड़ी में लगा, आपका स्टूडियो का एड्रेस, आपके ऑफिस, कोरियोग्राफर, PCR सब कुछ है नाम वाले, तो फिर सबका नाम क्यों नहीं सामने आना चाहिए? अधिकारी आईएएस आईपीएस की नेम प्लेट लगी होती है, हमारे यहाँ इतने एडवोकेट हैं, सबकी प्लेट लगी हुई है, सब आईडी कार्ड रखते हैं, ये एंट्री करने के लिए अपने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, तो बिना इस एंट्री कार्ड के घुस पाएगा? बिना इस पे नाम के कोई घुस पाएगा? सुप्रीम कोर्ट अपनी डोरी में लिख के रखता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब इस पे भी इतनी दूरी के बाद फिर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर दूरी के बाद लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर थोड़ी दूरी के बाद, कहीं छुपा ना रह जाए, दिखना चाहिए, कहीं इस व्यक्ति का कहीं कोई धोखे में ना रह जाए, तो ये दिया, ठीक है। घड़ी अपना नाम देती है निर्जीव चीज़ों में, कार अपना ब्लॉक देती है, रजिस्ट्रेशन होके रजिस्ट्री का नंबर प्लेट आती है बिहार, राजस्थान, दिल्ली नंबर, HR नंबर, ये सब कुछ है। ये गाड़ी वाले तो कोई कहते नहीं हमारे साथ भेद हो गया HR नंबर की वजह से, हम कन्याकुमारी में गए, जम्मू कश्मीर के नंबर से हम कन्याकुमारी गए, कश्मीर गए, लद्दाख गए, लेह गए, कभी भेद नहीं होता है। हर घर के आगे नेम प्लेट लगाने का प्रावधान है, लिखा जाता है हर जगह नाम, नंबर प्लेट, आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड किया कि नहीं आधार कार्ड होना चाहिए, फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है क्या किसका नाम है, ये जिस तरह से ये लगाया गया, ये आरोप है पूरी तरह से झूठ है। सच है योगी जी की सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि इससे धर्म भ्रष्ट करने से रोका जाना जरूरी है, धर्म भ्रष्ट किया जा रहा था, वो बचना चाहिए, धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अब व्यक्ति जाता है महाबली हनुमान भोजनालय, जय बजरंगबली हनुमान, क्या वहाँ वो सोच सकता है घुसने से पहले कि वहाँ बीफ मिलेगा? क्या सोच सकता है अंडे के आमलेट की प्लेट पर ही हमें पराठा बना के दिया जाएगा, जो मैं चला आ रहा हूँ 15 दिन से नंगे पैर, छम छम घुंघरू बांध के चलता हुआ, पैरों में छाले पड़ गए, इलाज नहीं कर पा रहा, दवा नहीं कर पा रहा, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, माँ इंतज़ार कर रही, बहन इंतज़ार कर रही, पत्नी इंतज़ार कर रही, उन्होंने कांवड़ लेने के लिए भेजा था, वो पूजा कर रहे हैं, वो ध्यान में है, वो शिव जी के जय कारे के साथ शुरू करता है, और वहाँ उसमें टुकड़ा लगा है ऑमलेट का, क्योंकि उसी तवे पर बन के आया है। तो क्यों ऐसा? जो हैं आप लिखिए। सावन का महीना अगर सनातन धर्म की लोगों के लिए, दुकानों के लिए है तो चला लें, आपको महीना मिलेगा रमज़ान का, रमज़ान में आप खूब बिक्री कीजिए, खूब बेचिए, ईद पे, बकरीद पे, सेवैयाँ बेचिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप लिखिए। सांसद अंदर एंट्री करते हैं अपने नाम दिखा के, एयरपोर्ट पे 3 जगह नाम का आइडेंटिटी दिखाई जाती है, और सब इज्जत सम्मान से दिखाते चले जाते हैं, कोई किसी से नहीं लड़ता, कैसे आप देखोगे? मैं इंसान हूँ, मानव हूँ, देखिए मैं मिठा, मैं प्यार की दुकान हूँ, देखिए मैं इंसान की दुकान हूँ, मैं मोहब्बत की दुकान हूँ, इतनी बड़ी दिख रहा हूँ, नाम क्यों पूछ रही हो मेरा? वो कहीं हटा मोहब्बत की दुकान, अपनी दूसरे यात्री को आने दे, दिखाइए आप आइडेंटिटी, पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है, हर चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। GST वालों ने दुकान के आगे GST नंबर कंपलसरी कर दिया, लिखवाता है व्यक्ति, कोई छुपा ना ले, कोई किसी का नंबर देख ले, हाउस टैक्स नंबर लिखे जाने की प्रथा कई जगह है, GST चल रहा है, इनकम टैक्स का चल रहा है, कंपलसरी हैं चीज़ें, तो यहाँ वहाँ क्यों ऐसा? और ये धोखाधड़ी बहुत वर्षों से हो रही थी, और इस कानून को लागू तो किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, ये भूल गए विपक्ष वाले, ये अपने ही विपक्ष को बातों को गलत माने। 2011 में मनमोहन सिंह जी ने लागू किया था, उस समय लागू नहीं हो पाया,
अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी ने, योगी जी ने उसको किया है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और निश्चित तौर पर ऐसा कार्य मध्य प्रदेश में उज्जैन में भी होना चाहिए, ओंकारेश्वर में भी होना चाहिए, साउथ में भी होना चाहिए, काली माता मंदिर कलकत्ता में भी होना चाहिए, माता वैष्णो देवी में भी होना चाहिए, अमरनाथ में भी होना चाहिए। उसमें क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है, जो है वो बताओ ना। जब आप बताते हैं, जब त्यौहार मनाते हैं, जब आप टोपी लगाते हैं, तो कोई मना करता है? हमें तिलक लगाने से कोई मना करता है? नहीं करता। लेकिन उसमें धोखा नहीं होना चाहिए। आप गलत टीका लगा लें जो आप उसको मानते नहीं हैं, फिर गलत है, गलत है। अब महाबली हनुमान लिख के जब UPI करता है व्यक्ति, आप जाता महाबली हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, हर हर महादेव, अब मैं यहाँ भोजन करूँगा, हर हर महादेव, हर हर गंगे, शिव की जय, वहाँ आता है, वहाँ पर गड़बड़ है आने में, शाकाहारी मांसाहारी मिक्स, धोखा है। फिर जब UPI करता है पैसे, डिजिटल इंडिया मोदी जी ने की है, तब वहाँ पैसे जा रहे हैं, हाँ पैसे भी महाबली हनुमान भोजनालय में जाएँ तो उसे खुशी होगी। वहाँ जाएंगे अब्दुल रफीक साहब को, वहाँ जाएंगे नवाज जी को, तो गलत है। जो जिसके लिए है उसके लिए करिए, आप अपने लगाइए, आप रमज़ान की करिए, आप उसकी करिए। हमारे यहाँ सबको समानता दी गई है, लेकिन धोखा नहीं देना चाहिए। जो धोखे की प्रवृत्ति है, छल है, और छल फरेब नहीं होना चाहिए, यह आवश्यक है। तो वैसी जो है वो कह रहे हैं कि धर्म का बंटवारा है, अखिलेश यादव जो है वो कह रहे हैं धर्म का बंटवारा है। अखिलेश यादव जी क्यों लिखते हैं अखिलेश यादव, ये नाम लिखे ABCD, लिख दे मोहब्बत की दुकान, क्यों नाम लिखते हैं? मैं अखिलेश यादव संविधान की शपथ लेता हूँ, मैं असदुद्दीन ओवैसी, क्यों नहीं कहते मैं रामचंद्र जी, मैं राम गोपाल, क्यों नहीं नाम बदल लेते हैं? जैसा देखते हैं भेष, तरीका तो बदल लेते हैं। ईद में टोपी, उज्जैन में रुद्राक्ष की माला, टीका, चर्च में लॉकेट, वो ड्रामा तो कर लेते हैं, नाम नहीं बदलते। तो वही तो नाम लिखवाने को कह रहे हैं योगी जी, ये नाम लिखवाइए, नाम लिखवा के रखिए, और क्या बात है उसमें, गलत क्या है, नाम होना चाहिए। बाबा जो है उत्तर प्रदेश में वो इतने शांत बैठने वाले तो है नहीं, जिस तरीके से एकदम सन्नाटा छा गया है। कई बार कोर्ट बाइस्ड हो जाती है, अगर अनरेबल कोर्ट बाइस्ड है तो उसका आगे इलाज है, रिव्यू है, क्वालिटी पिटीशन है, सिस्टम है, प्रोसेस है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अभी 26 तारीख को एक बार फिर से सुनवाई होनी है, तो 26 तारीख को आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है योगी बाबा क्या नया नियम लाने वाले हैं, क्या करेंगे? वो जैसा होगा देखा जाएगा, ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। मैं तो भारत सरकार से भी कहता हूँ ऑर्डिनेंस लाएं, और ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। ये गौर करने वाली बात है, योगी जी किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? 3 मीटर कपड़ा ऊपर पहनते, 3 मीटर कपड़ा नीचे, 1.5 मीटर का थैला, इसके अलावा क्या है उनके जीवन में, क्या है उनके जीवन में? मठ में है, मठ मठ चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, कोई आगे पीछे नहीं, कोई माता पिता की कभी लिख पद की नहीं, कोई भाई बहन बहनोई नहीं, कोई परिवारवाद नहीं। ऐसा संत पहली बार मिला है इस देश के, उत्तर प्रदेश को, उस पर गर्व करना चाहिए। योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी पर गर्व करना चाहिए कि हमें ऐसा मिला है। लोग परिवारवाद में ग्रसित हैं, लोग गठबंधन में अपने बहन बेटी बहू भाई भतीजे को टिकट दिलाने के लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ कोई लड़ाई नहीं थी, है ही नहीं कोई। मोदी जी ने कभी अपनी पत्नी के टिकट के लिए मांग की? कभी लड़ाया, भाई को लड़ाया, भतीजों को लड़ाया, भतीजी को लड़ाया? ये भी कह दिया गया जो अपनी बीवी का ही नहीं हुआ वो किसका होगा? सोचिए आप, कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी तपस्या, और मोदी जी, योगी जी के पास कुछ नहीं आगे पीछे। आज भी उनकी माँ चाय बेचती हैं, सोचिए ना आप, सड़क के किनारे कितनी बुजुर्ग होके, बहन भाई उनके हॉस्पिटल अपने आप इलाज कराते रहे, कोई देखने भी नहीं आया। हाथरस में तो योगी जी पहुँच गए, अगले दिन तुरंत पहुँचे, उन्हें लगा मेरे प्रदेश की जनता है, लोग मरे हैं, घटना हुई है, साजिश हुई है, षड्यंत्र किया गया, तुरंत अपने DGP को भेजा हाथरस, तुरंत अपने होम सेक्रेटरी को भेजा, अगले दिन अपना पहुंचे, घटना स्थल पर निरीक्षण किया, अस्पतालों में निरीक्षण, कितना बड़ा हृदय, कितना बड़ा दिल। तो इस तरह से अच्छे मुख्यमंत्री मिले हैं, उन पर हमें गर्व करना चाहिए। अभी सर ये
जो फैसला कोर्ट ने सुनाया इस पर भी लोग अलग अलग तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि ये हिंदुओं की अगर आप आस्था को ध्यान में रखें तो ये फैसला सही नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अभी, जैसे आपने भी जिक्र किया, कभी कभार बायस्ड हो जाती है कई बार? देखिए, वो भी तो इंसान है, वो भी तो जज हैं, कभी किस मानसिकता में सोच हैं, कभी किस बायस्ड हो जाते हैं। इसीलिए हमारे संविधान में, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में, SLP पे अगर फैसला गलत हो जाए तो आप रिव्यू लगाइए, रिव्यू का अधिकार है। रिव्यू में भी अगर बायस्ड है, क्योरेटिव लाइए, तो हमें अधिकार है और उसको पर करना चाहिए, होना चाहिए। अभी 26 को फिर ये समझा जाए कि कोर्ट में कुछ बड़ा होने वाला है, देखते हैं क्या होगा, जैसा होगा वैसा देखेंगे। लेकिन हमें आशा है कोर्ट को भी जन आकांक्षाओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये आवश्यक। जनता के लिए अदालत है, जनता के लिए संविधान है, ये लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया हुआ जनता का है, डेमोक्रेसी, वाई द पीपल, वी द पीपल। इसीलिए हमारे संविधान में लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस पर तो सर विपक्ष ये तक बोल रहा है बीजेपी को कि बीजेपी जो है तानाशाही ला रही है, जो हमारा लोकतंत्र है, उस संविधान हमारा जो है वो खतरे में है। क्या तानाशाही की बात है, किस तरह की बात कर रहे हैं वो, क्या तानाशाही कर रहे हैं? जब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, अभी मुझे ये बताइए, क्या दूसरी बार के टर्म में योगी जी की सरकार में 6-7 साल के काल में कोई तो अच्छा काम किया होगा? क्या किसी विपक्ष ने तारीफ की? क्या विपक्ष ने 370 को अच्छा माना, 35 को माना? क्या विपक्ष ने राम मंदिर को अच्छा माना? राम मंदिर में गए, उद्घाटन में नहीं गए, राम मंदिर में नहीं गए, अनंत अंबानी की शादी में नाच रहे थे वो लोग, और अनंत अंबानी ने कहा सब खड़े हो और पूजा करो राम जी की। पहले अनंत अंबानी की शादी में नाचने पहुंच गए, राम जी के यहां नाचने नहीं गए मंदिर बनने पे। अनंत अंबानी ने अपने पैसे के दम पर, पैसे की खनक पर, और जो लाखों करोड़ों रुपए की घड़ियां दी हैं शादी में आने वालों को, उसकी खनक पर खड़ा कर लिया और कहा चलो जी अब चारों धाम के उनकी पूजा करो, अब राम जी की आरती करो, तो वहां सब राम जी की आरती करने लगे, समझिए आप। सर 2020 में भी हमने देखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में नहीं आया था, जब CA कानून वाला मैटर हुआ था, तब भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया लॉ पेश कर दिया था, तो इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार तौर पर लॉ पेश करेंगे और बनाएंगे, और उसे उत्तराखंड भी करेगा, मध्य प्रदेश भी करेगा, और बंगाल नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ बंगाल में काली माता के यहाँ ऐसा ही होता है, वहाँ गंगा सागर में ऐसा ही होता है, बड़ी लूटमार मची रहती है, लेकिन जहाँ जहाँ प्रदेश हैं उनमें होना चाहिए ऐसा। तो ये देखा आपने क्या कहना था सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट AP सिंह जी का। सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि आखिर 26 तारीख को अब कोर्ट में क्या नया होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अपना एक नया नियम पेश करेगी जिससे हिंदुओं की आस्था का सम्मान हो, हिंदुओं की श्रद्धा का भी सम्मान हो? यही सब हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द राजधर्म के साथ। धन्यवाद।